Assalamualaikum ग्रेट थ्री, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन। आई एम योर मैथ टीचर। ओके, आज का लेक्चर है डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन इज इक्वल शेयरिंग, इक्वल ग्रुपिंग ऑफ अ नंबर्स। ठीक है, किसी चीज़ को इक्वल शेयर जब हम करते हैं तो वो डिवीजन होती है, या हम किसी चीज़ को, किसी नंबर्स को इक्वल ग्रुपिंग कर देते हैं तो वो हमारे पास, उसको हम डिवीजन कहते हैं। ठीक है, द नंबर्स टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइडेंड। जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है उसको हम, जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसको हम डिवाइडेंड कहते हैं। द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड डिवाइजर। और जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है वो हमारे पास डिवाइजर होता है। द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग ए नंबर इज कॉल्ड कोशेंट। और जो नंबर रिजल्ट हमें देता है डिवाइडिंग, डिवाइड होने के बाद, उसको हम कोशेंट कहते हैं। लाइक दैट, एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, अगर मैं कहूँ यहाँ 45 है, ये 2 है, और यहाँ अगर फॉर एग्जांपल मैं कह दी हूँ, आंसर तो नहीं आएगा, बल्कि यहाँ 5 कर देते हैं, ठीक है, 5 कर देते हैं, यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है, और 45 करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा डिवाइडेंट। ये क्या होगा? कोशेंट। और ये क्या होगा? डिवाइजर। ठीक है, अब पता चल गया, ये डिवाइजर होगा, ये डिवाइडेंट होगा, ये कोशेंट होगा, और ये जो जीरो आ रही है मेरे पास रिमाइंडर होगा। ठीक है, इफ द नंबर इज नॉट फुली डिवाइडेड द रिमेनिंग नंबर इज कॉल्ड रिमाइंडर। अगर वो फुल डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ तो फुल डिवाइड हो रही है ना, जीरो आ रहा है, अगर कोई नंबर फुल डिवाइड नहीं आ रहा, कोई हमारे पास आंसर बच रहा है, तो उसको हम रिमाइंडर बोलेंगे। डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइडेंट क्या होगा? डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो डिवाइडेंट आ जाएगा। ठीक है, लुक एट सारिम्स प्रॉब्लम 7/56। जी हम क्या करेंगे जी? इट इज इजी फॉर सारिम बिकॉज ही नोज हिज मल्टीप्लीकेशन टेबल्स। हाँ जी, टेबल्स तो लाजमी आने चाहिए ना। ही नोज दैट 7 × 8 इज इक्वल टू 56, सो दैट 56 - 7 इज इक्वल टू 8। ठीक हो क्या? 57 divided by not minus है। He knows that 7 × 8 is equal to 56, so that 56 / 7 is equal to 8. Sarim writes it down like this. First he writes the quotient, secondly he writes the product of this is quotient 8, and because 7 × 8 = 56, उसने सारिम ने क्या किया, अपना फर्स्ट ऑफ ऑल जो ही राइट द प्रोडक्ट ऑफ द इस क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है? 8 × 7 करेंगे तो 56 आ जाएगा। उसने प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन लिख दिया, 7 × 8 इज इक्वल टू 56। डिवाइज 7 अंडर ईथ द डिवाइडेंट। ठीक है, ये 7 जो है ये इसको डिवाइड कर रहा है 56 को। थर्डली ही सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिवाइडेंट। अब वो प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करेगा, कैसे करेगा? ऐसे, ये देखिए 7 × 8 = 56, 56 - 56 = 0। ओके, देखो ये प्रोडक्ट है हमारे पास 7 × 8, जिससे 56 बन रहा है। ठीक हो गया। द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होता है? लुक एट द आदिल्स न्यू सम 6/√26, 26 / 6। आदिल यूजेस पीपल्स एंड सॉर्ट देम इन अ ग्रुप ऑफ 6। 26 / 6 करेंगे, 26 आपके पास डिवाइडेंट है, 6 आपके पास डिवाइजर है, ये 4 आपके पास कोशेंट है, और रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, 6 × 4 = 24 होता है ना, 26 के 6 का टेबल 26 तक नहीं जाता, 6 × 4 = 24 हो जाएगा, 26 - 24 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, आदिल नोज फ्रॉम हिज टेबल्स दैट 6 × 4 = 24, सो ही राइट्स द कोशेंट, सेकेंडली ही राइट द प्रोडक्ट, थर्डली ही सब्ट्रैक्ट। आदिल हैज 2 लेफ्ट ओवर, ही कॉल्स हिज
दिस दी रिमाइंडर. देखो 26 है, 6 का टेबल पढ़ेंगे. 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 18, 6 फोर ज़ा 24, 6 फाइव ज़ा 30. ओहो ये तो 26 है, 30 बड़ा हो गया. तो हम उससे पिछले वाला टेबल पढ़ेंगे. 6 फोर ज़ा क्या आया था? 6 फोर ज़ा 24, 6 फोर ज़ा 24, 6 माइनस 4 2, तो 6 इंटू 4 क्या आ गया? 24. 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट हमारे पास 24 आ गया. ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन, ये डिवाइजर, ये डिवाइडेंड और ये रिमाइंडर. गॉट इट? नाउ वी चेक आवर आंसर एज गिवन बिलो. क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंड. क्वेश्चन क्या था? 4. डिवाइजर क्या था? 6. और रिमाइंडर क्या था? 2. 4 6 है 24, 24 प्लस 2 26. डिवाइडेंट आ गया है ना, आ गया ना डिवाइडेंट. तो डिवाइडेंट किसके इक्वल होता है? क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. क्या होता है? क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंट. अच्छा जी, अब हम देखेंगे डिवाइडिंग टू डिजिट नंबर्स बाय 10. अगर हमें 10 के साथ डिवाइड करना पड़े तो हम क्या करेंगे जी? टू डिवाइड अ नंबर बाय 10 वी मूव दैट नंबर 1 कॉलम टू द राइट. फॉर एग्जाम्पल डिवाइड 3 बाय 10, 8 रिमाइंडर 3. ठीक है, वी नो दैट 8 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 80. देयर फोर 80 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 8. ओके, वी फॉलो दैट 8 टेन्स आर 80. देयर फोर 8 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 8. ठीक है, क्योंकि 10 8 से 80 होता है और 10 9 से 90 होता है, तो 90 बड़ा हो जाता है. तो हमने ये रूल रखना है, हम उससे पिछले वाला टेबल पढ़ेंगे तो 10 8 से क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा ना, तो हम उसको फॉलो करेंगे. ठीक है, तो 8 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ टू फॉलो द अबव लॉजिक एग्जांपल एक और बता रही हूँ आपको. 43 डिवाइड बाई 10 है. अब देखो 10 को 43 से डिवाइड करो. 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 10 थ्री ज़ा 30, 10 फोर ज़ा 40, 10 फाइव ज़ा 50. 50 43 से बड़ा हो गया तो हम पिछला टेबल पढ़ेंगे. 10 फोर ज़ा 40. 43 माइनस 40 करेंगे, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा. ठीक है, 43 डिवाइड बाई 10 तो 4 रिमाइंडर 3. अब देखो इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 3. ठीक हो गया. इसी तरह 527 डिवाइड बाई 10, 10 फाइव ज़ा 50, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा. ऊपर से 7 उतारेंगे, 27, 10 टू ज़ा 27, तो इसका 52 है जो 52 क्वेश्चन. रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 7. ये आपके पास रिमाइंडर आ गया. ठीक हो गया. नाउ द डिजिट ऑन द एक्सट्रीम राइट विल बी रिमाइंडर, द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ इट विल बी क्वेश्चन. नाउ चेक इट आउट. ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? ये 52 हमारे पास क्वेश्चन है और ये हमारे पास रिमाइंडर है. सिमिलरली 43 डिवाइड बाई 10, 4 रिमाइंडर 3, 43 माइनस 3 40, एंड 40 इज 10 मल्टीप्लाई 4. सिमिलरली अगर दूसरी एग्जांपल देखो, 527 माइनस डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 520. ये डिवाइड नॉट, ये आ जाएगा 520, एंड 520 इज प्रोडक्ट ऑफ 52 मल्टीप्लाई 10. गॉट इट? नाउ हम देख रहे हैं डिवाइडिंग टू डिजिट बाय वन डिजिट नंबर. अब एक डिजिट नंबर से अपने डिवाइड करना है. आमना हैज़ अनदर प्रॉब्लम टू सॉल्व. 84 डिवाइड बाय 4. आमना नोज आर 4 एस टेबल्स बट ओनली अप टू 10 टू 4. 10 फोर ज़ा 40. हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम? आमना नोज दैट द डिवाइडेंट 84 इज इक्वल टू 8 टेंस. 84 में 8 टेंस है एंड 4 वन्स है. फर्स्ट ही डिवाइड द टेंस. पहले वो किसको डिवाइड करेगी? टेंस को डिवाइड करेगी. ठीक है, फर्स्ट ही डिवाइड्स टेंस. आमना नोज 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8. 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2. 80 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20. देखो 4 टू ज़र 8 आता है. शी राइट लाइक दिस, 4 टू ज़र 8, 4 20 ज़र 80 सिंपली. और जब 84 माइनस 80 करेगी तो 4 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, और यहाँ जाएगा 4 वन ज़ा 4, देन यहाँ जाएगा 201 आ जाएगा.
फोर वन जो फोर और ज़ीरो आ जाएगा। ओके आम फर्स्ट ही डिवाइड द टेंस आमना नोज टू फोर जर एट डिवाइड बाई फोर इज इक्वल टू टू एट डिवाइड बाई फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी। नेक्स्ट ही डिवाइड्स वंस वन फोर जो फोर फोर डिवाइड बाई फोर इज इक्वल टू वन। ओके आंसर इज टू जीरो वन। गॉट इट। अब आपने क्या काम करना है स्टूडेंट्स, आपने पेज नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 पेज 94 और क्वेश्चन नंबर 6 आपने सॉल्व आउट करने हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़। 4 5 6 योर होमवर्क।